हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे मोगरे का प्लांट है। तो आज फ्रेंड मैं इसको थोड़ा सा प्रोनिंग करने वाली थी और इसमें खाद डालने वाली थी, क्योंकि इसने एक बार फ्लावरिंग दे दिया है और उसके बाद में इसमें फ्लावरिंग बिल्कुल ही स्टॉप हो गई है। तो मैं इसमें नई फ्लावरिंग के लिए इसे फिर से तैयार कर रही हूँ। तो मैं आज आपको इसकी सारी जो सीक्रेट है उसके बारे में आपसे बात करने वाली थी कि मैं इसमें कौन सी खाद ऐड करने वाली हूँ। और इसको देखिए फ्रेंड्स कि इसकी पत्तियाँ भी धूप के कारण जल गई हैं। इसमें जो मैं बार बार पानी का शावर करती हूँ उसकी ड्रॉप इस पे बनी रहती है फ्रेंड्स, तो इस चक्कर में इसकी पत्तियाँ भी इस तरह से ख़राब हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे इस तरीके से इसकी पास से इसमें मिट्टी हटा ली है फ्रेंड्स, और अब मैं इसके अंदर खाद ऐड करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका मोगरे का प्लांट होता है फ्रेंड्स, इसको आपको प्रूनिंग करनी जरूरी रहती है, क्योंकि जो मोगरे में कलियाँ बनती है वो नई नई ब्रांचेस के द्वारा ही बनती है। तो अभी तो इसमें नई नई कलियाँ बन चुकी थी और ये वापस से थोड़ी सी नई नई ब्रांचेस आ रही हैं, पर मुझे इसमें पूरी भर के कलियाँ लानी थी, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा अभी प्रूनिंग किया नहीं है। मैं इसमें थोड़ी खाद ऐड करने के बाद में इसकी प्रूनिंग करूँगी फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इसमें कौन सी खाद ऐड करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपका अगर मोगरे का प्लांट इस तरीके से एक बार फ्लावरिंग देने के बाद में स्टॉप हो गया है और उसमें कलियाँ नहीं आ रही है, तो सबसे पहले तो आप अपने प्लांट को इस तरीके से थोड़ा सा मिट्टी से खाली कर लीजिए, जिस तरह से मैंने किया है। इसमें थोड़ी सी इसकी जो जड़ हैं वो भी थोड़ी सी टूटेंगी, जैसे देखिए फ्रेंड्स ये आपको दिख रही होंगी, और मैंने इतनी सारी मिट्टी भी निकाल के रख दी है। तो इसको आप इस तरीके से अच्छे से मिट्टी निकाल लीजिए, ज़्यादा नहीं। और ये फ्रेंड्स है गोबर की खाद, जिसे मैंने घर पर ही बनाया था, तो ये काफ़ी पुरानी है, तो मैं इसे आधा किलो 500 ग्राम के करीब इसमें लूँगी। और इसके चारों तरफ इस तरीके से फ्रेंड्स मैं डाल दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, जितना बड़ा आपका पॉट है और जितना पुराना आपका जो पौधा है उस हिसाब से आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। ये मेरे 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है और ये मेरा जो प्लांट है ये काफी पुराना है फ्रेंड्स। तो देखिए, अभी मैंने इसमें गोबर की खाद ऐड कर दी है फ्रेंड्स। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी नीम खली भी डालूंगी। तो इसमें नीम खली फ्रेंड्स आप एक मुट्ठी के करीब डाल सकते हैं। तो ये मैं देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने इस तरह से डाल दिया है और इसे इस तरीके से मिला दिया है। इसके साथ साथ फ्रेंड मैं थोड़ा सा बोन मील पाउडर भी ऐड करूंगी इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मैंने थोड़ा सा बोन मील पाउडर ले लिया है और इसे भी थोड़ा सा मैं ऐड कर दूंगी, और इसे चारों तरफ ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालूंगी फ्रेंड्स, और इसे किसी डंडी या किसी चम्मच या की सहायता से आप इस तरह से इसके अंदर मिक्स करते जाइए फ्रेंड्स, इस तरह से घुमा। बोन मील पाउडर को फ्रेंड्स हाथ नहीं लगाएं तो ही बेटर होता है, क्योंकि इसकी जो बोन मील पाउडर बनाने की जो प्रोसेस रहती है वो, और इसको आपकी जो सांस है उससे भी दूर रखना पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी नाक में या मुंह में इसका नहीं जाए। तो फ्रेंड्स, आप इसमें पाउडर यूज़ करें बोन मील पाउडर का तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये लिक्विड जो पाउडर फॉर्म होता है उसमें भी आता है, और थोड़ा सा जो एक अलग टाइप का भी आता है, जिसको मतलब इसमें इंक्लूड होने में टाइम लगता है। तो मुझे तो इसमें फास्ट ग्रोथ चाहिए थी फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसके बोन मील के पाउडर का यूज़ किया है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसमें मैं आप थोड़ी सी एनपीके का भी यूज़ करूँगी। ये एनपीके के दाने हैं फ्रेंड्स, और ये एनपीके लिक्विड फॉर्म में भी आता है फ्रेंड्स, लेकिन मैं इसे दाने के उसमें ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक इसमें चलता रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि मैं इसमें इतना सारा
इसलिए यूज कर रही हूँ फ्रेंड्स कि ये मेरा पॉट बहुत बड़ा है और इसका जो मेरे पास में पौधा है ये काफी बड़ा और पुराना है, तो इसमें इतनी ही ज्यादा खाद लगेगी। फ्रेंड देखिए मैंने इसमें अब सब कुछ डाल दिया है। इसके बाद में अब जो मैंने मिट्टी इसमें से निकाली थी वही मिट्टी मैं इसमें वापस से ऐड कर दूंगी और फिर इसकी अच्छे से वाटरिंग करूंगी और फिर मैं इसे प्रूनिंग के लिए रख दूंगी। तो फ्रेंड्स जब आपके पास में मोगरा है और वो कलियां या फ्लावरिंग पे नहीं है तो आप इस तरीके की खाद यूज कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी फ्रेंड्स कि इस वक्त अभी अगर आपका जो मोगरे का प्लांट है उस पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो आप इसे फुल सननाइट में रखिए। पूरे दिन भर की जो 6 से 7 घंटे की जो धूप होती है फ्रेंड्स वो आप इसे अच्छे से दीजिए और फिर उसके बाद में इसे आप दोनों टाइम पानी भी दीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद में फिर जब अगर इसमें कलियां आती है और फ्लावरिंग पे आ जाता है, इसमें फ्लावरिंग होने लग जाती है, तो आप फिर इसे थोड़ी शेडी एरिया में इसको रख सकते हैं क्योंकि उसकी जो कलियां रहती हैं और फ्लावर रहते हैं वो ज्यादा टाइम तक बने रहेंगे। और बीच बीच में फ्रेंड हर 15 दिन में आप इसको सरसों की खली का लिक्विड दे सकते हैं कि आप इसमें 100 या 200 ग्राम की जो सरसों की खली रहती है उसको आप 2 दिन तक पानी में भिगा दीजिए 1/2 लीटर पानी में, और फिर उसी में 1/2 लीटर पानी में फिर वापस से 1/2 लीटर पानी ऐड करके आप इसमें हर 15 दिन में दे सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आपके पास में सरसों की खली नहीं है तो आप जो केले के पत्ते होते हैं जो केले के छिलके होते हैं उसको भी आप 2 या 3 दिन तक पानी में आप भिगा के शेडी एरिया में रख सकते हैं। और उसमें जितने पानी में आप उसको भिगा के रखेंगे उसमें उतना ही पानी मिला के फिर इसको आप डाल देंगे तो आपके जो प्लांट है उस पर अच्छी फ्लावरिंग होगी और उसकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसमें वापस से थोड़ी सी मिट्टी ऐड कर दी है और अब मैं इसमें अच्छे से वाटरिंग करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स इसको वाटरिंग करने से पहले मैं थोड़ी सी इसकी प्रूनिंग कर देती हूँ, तो आप भी देखते रहिए कि किस तरह से प्रूनिंग करनी है। तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ी सी कलियां तो आ रही हैं लेकिन मुझे इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग अच्छी करनी है तो मैं इन कलियों को नहीं देखूंगी और इसकी अच्छे से प्रूनिंग कर दूंगी ताकि इसमें नई नई ब्रांचेस अच्छे से आए। और अभी तो थोड़ा सीजन इसका बचा है क्योंकि ये अभी थोड़े टाइम तक और फ्लावरिंग देंगे, तो ज़्यादा आपको छोटी प्रूनिंग नहीं करनी है कि आप इसको बहुत ही छोटा कर दो। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आप हर एक ब्रांच को दो दो नोड एरिया जो होता है, एक ये नोड एरिया है और एक ये है, इसको आप दो दो नोड एरिया से अगर आप कटिंग कर दोगे तो आपकी अच्छी सी प्रूनिंग हो जाएगी फ्रेंड्स और इसमें नई नई ब्रांचेस अच्छी से आएंगी। इसमें 15 दिन में ही फ्रेंड्स आपको रिजल्ट दिखेगा कि आपके जो, देखिए फ्रेंड्स इस पे फूल आया था और ये अब सूख के ऐसा हो गया है, तो आपको 15 दिन में ही फ्रेंड्स इसका रिजल्ट दिख जाएगा कि इसमें आपको, देखिए यहाँ से नई नई ब्रांचेस भी निकल रही हैं फ्रेंड्स क्योंकि मैंने प्रूनिंग नहीं की थी और ऊपर इसके फ्लावर आके चले गए थे। तो मोगरा जो रहता है उसमें फ्रेंड्स नई नई ब्रांचेस निकलती है तभी उसमें फ्लावरिंग आती है। तो अब मुझे लगता है कि इसकी प्रूनिंग हो गई है क्योंकि मुझे ज़्यादा इसे छोटा नहीं करना है क्योंकि मैंने इसे भी थोड़े टाइम पहले ही प्रूनिंग की थी जब इसका सीजन आने वाला था। तो वैसे तो मैंने काफ़ी इसकी प्रूनिंग कर दी है देखिए, और अब मैं इसे अच्छे से वाटरिंग कर दूंगी और शावर भी कर दूंगी। देखिए मैंने नई ब्रांच भी काट दी है पर खैर कुछ नहीं, इसमें वापस से आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स देखिए इसे अच्छे से आपको दोनों वक्त सुबह और शाम पानी देना है फ्रेंड्स, और इसकी मिट्टी काफ़ी वेलडन सॉइल है फ्रेंड्स, तो कभी इसमें इस तरीके से कमी हो जाए तो आप अच्छे से वाटरिंग करिए फ्रेंड्स और इसकी शावरिंग भी कीजिए। हमने अब इसमें इतनी अच्छी खाद दे दी है फ्रेंड्स कि इसमें काफ़ी जल्दी असर दिखेगा। और इसे अब प्रूनिंग करने के बाद में फ्रेंड्स इसे शेडी एरिया में नहीं रखना है, इसे हमें पूरी फुल सनलाइट में रखना है और इसे 5 या 6 घंटे की आराम से धूप मिलनी चाहिए फ्रेंड्स, और जब इसमें कलियाँ आ जाए फ्लावरिंग आने लगे तभी आपको इसे सनलाइट में रखना है। तो ओके फ्रेंड्स आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड किसी नए प्लांट और नए वीडियो में,
तब तक के लिए टेक केयर, बाय।